दिल्ली के बाद यूपी में जमीनी मुद्दों को लेकर लड़ेगी चुनाव आम आदमी पार्टी। जी हाँ, दिल्ली में दोबारा सत्ता पाने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना देश के अंदर विस्तारीकरण शुरू कर दिया। उसमें सबसे नज़दीकी, दिल्ली से सबसे नज़दीकी प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन की तलाश कर रही है। जी हाँ, पिछले आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी विजय या किसी भी तरीके का वोट परसेंटेज को भी शिफ्ट नहीं कर पाई थी। इसी के संबंध में आने वाले आगामी 22 के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी शुरू कर दी। उसी के अंतर्गत आज अलीगढ़ इकाई द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान को सभी आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत करते हुए बताया कि प्रदेश में अन्य राजनीतिक दलों को नए सिरे से समीकरण तैयार करने पर विवश कर दिया है। हमें खुशी इस बात की है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली विकास मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने के प्रदेश के करोड़ों लोगों को लाभ के साथ साथ उनके जीवन शैली में भी परिवर्तन आएगा। ये बातें आज प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष अलीगढ़ परवेज अली खान ने राष्ट्रीय संयोजक के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा के विषय में बताते हुए कही। जिला कार्यालय बेगम बाजार आमिनिशा पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक देश व प्रदेश में चुनावों के दौरान जितनी भी पार्टियों ने भाग लिया, उन्होंने सिवाय जाति व धर्म के किसी अन्य विषय पर चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी के अपने बाद में आने के बाद ये तस्वीर बदलेगी। अब उत्तर प्रदेश में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर बात होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जिस विकास मॉडल को दुनिया ने सराहा है, अब वही मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में बिजली महासचिव हेमेंद्र कुमार ने कहा कि दिल्ली प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जितने भी जनादेश, जनहित के कार्य और जनादेश जारी हुए हैं, उनका सीधा सीधा प्रभाव जनहित पर पड़ता है और पड़ता रहेगा। और आम जनता को हमेशा सुकून आम आदमी पार्टी ने ही दिया है, अपितु संभ्रांत वर्ग के लोगों को भी समान रूप से लाभान्वित करते हुए अरविंद केजरीवाल के मॉडल को पूरे देश ने, विदेश ने, सभी जगहों पर सराहा जा रहा है। उन्होंने आगे यह कहा कि जहां एक और राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय में जो वादे करती हैं, चुनाव जीत जाने के पश्चात वे उन्हें भूल जाती हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जो कहती है वह करके भी दिखाती है, जिसमें श्रमिक मजदूर व दैनिक वेतन भोगी आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है। वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रभात खाने ने कहा कि दिल्ली विकास मॉडल दिल्ली के विकास की वो तस्वीर है जो कि उत्तर प्रदेश में अगर दिख जाए तो उत्तर प्रदेश का अपने आप में एक नया करण या नवीनीकरण हो जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक की प्रभात खाने ने एक सुर में तारीफ की। जिला SC ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सतप्रकाश सूर्यवंशी ने प्रेस वार्ता में कहा कि जाति और धर्म की राजनीति में उलझकर सत्ता हथियाने वाले दलों के को भी इस धरातल से हटाना होगा। वास्तविकता में आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प है जो विकास के मॉडल पर काम करती है। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष परवेज अली खान के साथ महासचिव हेमेंद्र कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य सोहेल पठान, महानगर अध्यक्ष नदीम अंजुम, जिलाध्यक्ष SC ST प्रकोष्ठ सत्यप्रकाश सूर्यवंशी, जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, छर्रा विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद, वरिष्ठ सदस्य प्रभात खांडे, जिला सचिव युवा प्रकोष्ठ सुनील कुमार सोलंकी, सागर जादौन आदि उपस्थित रहे। AB Live न्यूज़ के लिए गौरव रावत की रिपोर्ट। उस योजना पर लगाना पड़ता है। दिल्ली प्रदेश की सरकार शिक्षा के बजट के नाम पर 25% जो वहां का बजट है उसका 25% शिक्षा पर खर्च कर रही है। यह एक बहुत बड़ी बात है और यही कारण है कि दिल्ली प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और उसकी तारीफ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी की जा रही है। अब UP में आपकी एंट्री हो गई है तो क्या दावा कर रहे हैं आप चुनाव लड़ने के लिए? उत्तर प्रदेश में हमारी एंट्री जो हम कर रहे हैं वो हम जनता के आधार पर कर रहे हैं और विशेष तौर पर हम जो दिल्ली में जो सुविधाएं दे रहे हैं उन सुविधाओं के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है जनता को सहूलियत की जरूरत है। कौन कौन सी मुख्य सहूलियत रहेंगी? मुख्य सहूलियतों में आप बिजली, जैसे कि हमारे यहाँ बिजली दिल्ली प्रदेश में 200 यूनिट फ्री है, बिजली पानी का बिल फ्री है, आपका जो है शिक्षा के नाम पर जो हमारे सरकारी स्कूल है उनको बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल की तरह सुविधाएं दी जा रही हैं, और जहां चिकित्सा की बात है वहां मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर हर दरवाजे पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। ये सारे मामले हैं जिन पर हमारी पार्टी लड़ने का काम। तो क्या यूपी में भी इस तरह का रहेगा? यूपी में भी हमारा मानना ये है जब जो काम दिल्ली में हो सकता है वो काम उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, बशर्ते जो सरकारें हैं चाहे वो किसी प्रदेश की सरकार हो उस सरकार की नीयत और उसका इरादा साफ होना चाहिए, मजबूत।